दोस्तों बॉलीवुड हो या हॉलीवुड, फिल्म डायरेक्ट करते समय एक एक चीज पर बहुत बारीकी से ध्यान दिया जाता है। डायरेक्टर अपनी हर मूवी को हिट करने के लिए करोड़ों रुपए पानी की तरह बहा देते हैं और मूवी हिट भी हो जाती है, लेकिन फिर भी उन मूवीज का कोई ना कोई सीन ऐसा होता है जिसे वो ठीक से करना भूल जाते हैं या उनका ध्यान ही नहीं जाता। इसलिए आज की वीडियो में हम आपके लिए कुछ हटकर लाए हैं जिसमें आप ये देख पाएंगे कि कैसे आपके द्वारा पसंद की गई बड़ी बड़ी मूवीज में गलतियां हुई पर आप उन्हें पकड़ नहीं पाए। तो दोस्तों हमें पूरा विश्वास है कि हम आपको जो जो गलतियां दिखाएंगे उन्हें देखकर आपको बहुत हंसी आने वाली है। आइए शुरू करते हैं। ब्रेव हार्ट। दोस्तों कुछ फिल्में इसलिए दिखाई जाती हैं ताकि लोगों को ये बताया जा सके कि पहले के समय में लोग कैसे रहते थे और कैसे वो अपना जीवन बिताने के लिए संघर्ष करते थे, और ऐसा ही कुछ हॉलीवुड मूवी ब्रेव हार्ट में दिखाया गया। इस मूवी की आलोचकों ने खूब आलोचना भी की क्योंकि इस मूवी में कई सीन ऐसे हैं जहां पर जनता ये सोचने पर मजबूर हो जाती है कि ये सब चीजें यहां पर आई कैसे। अब जैसे आप खुद ही देख लीजिए, वॉर के दौरान जब लोग हाथों में हथियार लेकर दौड़ रहे थे तब उनके हथियार इस तरह हिल रहे थे जिसे देखकर साफ साफ पता चल रहा था कि ये हथियार असली नहीं है, क्योंकि अगर असली होते तो ये इस तरह दौड़ने पर बैंड ना करते। दोस्तों ये सीन तो केवल एक नमूना है क्योंकि अब हम आपको इस मूवी की ऐसी मिस्टेक दिखाएंगे जिसे देखकर आप पक्का सोच में पड़ जाओगे। अब आप ही सोचिए क्या उस समय में कार होती थी, क्योंकि इस मूवी में जहां घोड़े दौड़ रहे हैं वहीं पीछे बैकग्राउंड में एक कार खड़ी दिखाई दे रही है, जो इस बात को बताने के लिए काफी है कि मेकर्स ने इस जगह पर बहुत बड़ी मिस्टेक की। इस फिल्म की गलतियों का सिलसिला यही नहीं थमता क्योंकि इस मूवी में ये भी दिखाया गया है कि कैसे एक सीन में एक व्यक्ति टोपी लगाए खड़ा है। अब तो ये पक्का है कि उस जमाने में इस तरह की टोपियां तो होती नहीं थी। अब जरा इस सीन पर नजर डालिए, कैसे ये व्यक्ति दौड़ रहा है लेकिन इस वक्त इसके हाथ में कोई हथियार नहीं है, लेकिन जैसे ही अगला सीन आता है उस सीन में ना जाने कैसे इस व्यक्ति के हाथ में तलवार आ जाती है। ये फिल्म वाले हम लोगों को मिलकर बेवकूफ बनाते हैं, लेकिन अब इतना भी बेवकूफ मत बनाइए कि वो खुद ही बेवकूफ दिखने लगे। ग्लेडिएटर। बहुत से लोगों को इतिहास से जुड़ी फिल्में देखने में मजा आता है, तभी तो ग्लेडिएटर जैसी फिल्में इतनी कमाई कर जाती हैं। अब इस फिल्म में आज से करीब 2000 साल पहले की कहानी दिखाई गई, कैसे उस समय लोगों का रहन सहन था और कैसे सालों पहले युद्ध किए जाते थे, लेकिन इस मूवी में कुछ ऐसी गलतियां हुई जिन्हें देखकर आप हंस जाएंगे। ये बात सच है कि आज के समय में इंटरनेशनल फाइट्स के लाइव टेलीकास्ट होते हैं ताकि घर घर में लोग इन फाइटर्स को देख सकें, लेकिन 2000 साल पहले भी इस तरह के लाइव टेलीकास्ट होते थे। अरे भाई चौंकी मत, ये हम नहीं कह रहे, ये तो इस फिल्म में मौजूद एक सीन में दिखाया गया है जहां पर साफ साफ देख सकते हैं कि ये व्यक्ति ऊपर कैमरा लिए खड़ा है। अब हम तो यही समझेंगे कि इस पूरी फाइट का लाइव टेलीकास्ट हो रहा है। इस मूवी में एक सीन आता है जिससे ये पता चलता है कि शायद इतने पुराने दौर में लोगों को गर्मी भी बहुत लग रही थी, तो इसीलिए वो अपने साथ पानी वाली प्लास्टिक की बोतलें भी लेकर आए हुए थे। हालांकि आज से 2000 साल पहले तो प्लास्टिक की खोज भी नहीं हुई थी। इसके अलावा एक और सीन नजर आता है जिसमें नीचे से एक आदमी के पैर नजर आ रहे होते हैं जिसमें उसने आधुनिक दौर के जूते पहने होते हैं। ये डिजाइन बिल्कुल मॉडर्न दौर का होता है जो कि सच में एक बड़ी मिस्टेक है, या फिर शायद ये 2000 साल पुराना ही डिजाइन है जिसको आज के मॉडर्न लोगों ने फिर से अपनाया है। हालांकि ऐसा मुमकिन नहीं है। जहां हम आज भी कुछ लोग ये मानते हैं कि इस मूवी में दिखाए जाने वाले बहुत से सीन बिल्कुल इतिहास के मुताबिक हैं और इन्हें बहुत अच्छे से पेश किया गया है, जैसे इस मूवी में तलवारें चलती हैं और लड़ाई होती दिखाई जाती है, तो इनको देखकर ऐसा लगता है जैसे ये सारे सीन बिल्कुल हकीकत में हो रहे हैं। मगर इस मूवी के अंत में जब मैक्सिमस को बड़ा खतरनाक जख्म होता है तो वह अचानक जख्मी होकर जमीन पर गिर जाता है, और उसके गिरने के बाद आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि जब ये जमीन पर पड़ा हुआ है तो इसके सर के नीचे किसने तकिया रखा है। वाओ, शायद ये सुकून के साथ मरना चाह रहा है। सच में कमाल है भाई। कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर। 2016 की ब्लॉकबस्टर मूवी कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर, जिसमें स्टंट की कोई कमी नहीं थी, उन्हीं स्टंट्स को जब एडिट किया गया तब ये गलती सामने निकल कर आई जिनको शायद आप भी नहीं देख पाए हैं। जनाब इस सीन को गौर से देखिएगा क्योंकि इस सीन में हमारे स्पाइडरमैन जी ने जो जाल चिपकाकर ये डाल चुराई है वो जाल अगले ही पल गायब हो जाता है। बैटमैन वर्सेस सुपरमैन। इस शानदार मूवी में हुई इस गलती को बहुत ही कम लोग पकड़ पाए हैं। इस सीन में जब सुपरमैन मर जाता है तब उसकी आंखें खोली रह जाती हैं, और अगले ही सीन में जब बैटमैन वहां आता है तब वो ही आंखें बंद दिखाई देती हैं। न जाने ऐसी गलती डायरेक्टर ने कैसे छोड़ दी।
क्वांटम ऑफ सोलेस। दोस्तों जेम्स बॉन्ड मूवी का जब भी कोई पार्ट आता है तो पूरी दुनिया की मूवीज इंडस्ट्री में धमाल मचा देता है, क्योंकि पूरी दुनिया में इसके लाखों करोड़ों फैंस मौजूद हैं जो जेम्स बॉन्ड के बोलने का अंदाज, एक्शन और सस्पेंस से भरी हुई स्टोरी को देखना बहुत ही ज्यादा पसंद करते हैं। अक्सर लोग तो सिर्फ जेम्स बॉन्ड का नाम बताने पर स्टाइल देखने के लिए ही मूवी पसंद करते हैं, मगर जेम्स बॉन्ड की मूवी क्वांटम ऑफ सोलेस के दौरान जेम्स बॉन्ड रॉड के ऊपर वॉक कर रहे थे कि पीछे भीड़ में मौजूद एक आदमी सड़क साफ करने में लगा हुआ है। लेकिन इसकी सफाई ही यहाँ पर सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि ये आदमी सड़क को साफ करने की बजाय हवा को साफ करने में मशहूर है। जी हाँ दोस्तों, आप जरा गौर से देखिए, ये झाड़ू सड़क पर लगाने की बजाय हवा के अंदर ही फेर रहा है। शायद अब दुनिया झाड़ू की मदद से हवा को भी साफ कर लेगी। ज्यूरासिक पार्क। ज्यूरासिक पार्क एक ऐसी मूवी है जिसने बच्चों के साथ बड़ों के दिलों को भी जीता है। ये एडवेंचरस सीन किसी को भी दीवाना बनाने के लिए काफी होते हैं। लेकिन क्या आपने इस मूवी का वो वाला सीन देखा है जहां पर बच्चे डायनासोर से छिपने के लिए किचन के अंदर जाते हैं? अगर नहीं देखा तो ये देखिए, क्योंकि यहाँ बच्चे डायनासोर से छिपने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं कोई डायनासोर को पीछे से छूने की कोशिश कर रहा है। अब भले ही फिल्म में डायनासोर को असली में इतना दिखाया गया है कि सबके रोंगटे खड़े हो गए, लेकिन इस सीन को देखकर कोई भी अंदाजा लगा सकता है कि ये डायनासोर कितना नकली है। अगर मेकर्स इन छोटी छोटी बातों पर ध्यान देते तो ये मूवी और भी ज्यादा लोकप्रिय हो जाती। उन्हें डार्क मैन राइजेस बहुत पसंद होगी। लेकिन दोस्तों, क्या आपने कभी सुना है कि बैटमैन के पास ऐसी पावर है कि वो बिना छुए किसी को भी गिरा सकता है? अगर आपको हम पर विश्वास नहीं हो रहा तो दोस्तों इस सीन को देखिए, कैसे ये शख्स बैटमैन के बिना छुए ही गिर जाता। अब इतनी ओवर एक्टिंग तो शायद ही कहीं देखने को मिलती होगी, क्योंकि हमारी बॉलीवुड की फिल्मों में भी हीरो विलेन को भले ही ना मारे लेकिन छू तो जरूर सकता है, लेकिन यहाँ पर तो कुछ अलग ही खेल चल रहा है दोस्तों। नोइंग। दोस्तों इस मशहूर हॉलीवुड मूवी नोइंग में इस सीन के लिए बहुत सारा पैसा खर्च किया गया था, लेकिन फिर भी फिल्म मेकर्स इस सीन को सही से शूट करने में नाकाम रहे। इस गलती को शायद आप लोगों ने भी नोटिस किया हो कि जब निकोलस केज रोड पर खड़े एक पुलिसमैन के पास आते हैं तो ये अचानक पीछे हट जाता है और पीछे मुड़कर अपनी तरफ आते हुए एक जहाज को देखने लग जाता है। ये डर के मारे जहाज की तरफ देख रहा होता है जो कि इसकी तरफ सीधा आ रहा होता है, मगर अचानक ही जैसे ये जहाज पुल के साथ टकराता है, उस समय जहाज की डायरेक्शन को देखें तो ये बिल्कुल उल्टी डायरेक्शन में साइड से आ रहा होता है। जरा फिर से इस वीडियो को गौर से देखिए। तो दोस्तों ये थी हॉलीवुड की मशहूर मूवीज में की गई सबसे बड़ी गलतियां। आपको इनमें से कौन सी गलती सबसे ज्यादा अजीब लगी हमें कमेंट बॉक्स में टाइप करके जरूर बताइएगा।